गाइस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जिम्बाब्वे ओमेंस वर्सेस आयरलैंड ओमेंस के बीच जो दोस्तों होने वाला है सेकेंड मैच ओडीआई सीरीज का। इन डेप्थ दोस्तों दोनों ही टीम के बारे में ना आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। इस टूर्नामेंट का ऑलरेडी एक मैच हमने कवर किया था, वो मैच दोस्तों हमारे लिए बहुत तगड़ा रिजल्ट आया। आई होप ये मैच भी आपके लिए ना अल्ट्रा स्वीप जाए। ध्यान से दोस्तों वीडियो देखना, पसंद आए तो लाइक करना, अगर आप चैनल में न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करो और फटाफट से ज्वाइन हो जाओ गाइस टेलीग्राम, क्योंकि आफ्टर टॉस में इस मैच का कवरेज आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। और हाँ, सिर्फ इस मैच का नहीं दोस्तों, पूरा टूर्नामेंट का दोस्तों मैं कवरेज शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम पे। इसी के साथ हम लोग बीपीएल भी कवर कर रहे हैं, बीपीएल का भी वीडियो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम फॉर फाइनल अपडेट फॉर डेमो टीम्स। ठीक है, आते हैं दोस्तों इस मैच के एनालिसिस पॉइंट में। ये मैच इंडियन टाइम स्टार्ट होने वाला है 12:45 में। ठीक है, हरारे पे होगा दोस्तों पूरा टूर्नामेंट, इनफैक्ट हरारे पे, एंड मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों इस मैच में रेन कोई इम्पैक्ट नहीं डालने वाले। ठीक है, पिच स्टैट्स देखोगे तो हरारे में ना रिसेंटली आयरलैंड और जिम्बाब्वे मेंस का कुछ सीरीज हुआ था ओडीआई T20, हमने देखा उसमें विकेट बहुत सारा गिरा और अर्ली दोस्तों इनिंग्स थोड़ा बहुत स्विंग मिलता है दोस्तों, पिसेस को सपोर्ट मिलता है, बट लेटर ऑन स्पिनर्स बहुत ज्यादा हावी होते हैं। जैसे कि लास्ट मैच में करा मुरे ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग किया था, 175 200 के आसपास एवरेज स्कोर है, बट अगर आयरलैंड ने बैटिंग फर्स्ट किया ये दोस्तों 280 से 300 भी बन सकता है। अगर आयरलैंड बैटिंग फर्स्ट किया तो 300 के करीब हो सकता है, बट अगर जिम्बाब्वे ने बैटिंग फर्स्ट किया तो दोस्तों ये बहुत ही कम बनेगा, 175 से 200-220 के करीब ही रन बनेगा, बट आयरलैंड ओमेंस स्ट्रॉन्गर टीम है, वो बैट फर्स्ट करने से ज्यादा बनेंगे। एक मैच हो चुका है टूर्नामेंट का बैट दोस्तों, जिसमें बैट सेकेंड टीम ने विन किया था और आयरलैंड टीम चेजिंग कर रहा था। अब देखो जिम्बाब्वे अपना पहला मैच ना बहुत गंदा हारा है इन्होंने, इनसे मैरियनी मुसंडो ओपन करेंगे, 2 रन बनाया था लास्ट मैच में, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 रन, और इनका ओडीआई करियर में 19 का एवरेज है। रिसेंटली T20 में इन्होंने खेला था, कुछ रन बनाया था, बट वो रन आया था किसके अगेंस्ट ये ध्यान देना पड़ेगा, वो आया था अफ्रीका क्वालिफायर में बहुत ही वीक टीम से, जिम्बाब्वे से भी वीक टीम था वो, और अब तो दोस्तों जिम्बाब्वे से स्ट्रांग टीम आयरलैंड है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, अगर बैटिंग फर्स्ट हुआ कतई मत लेना, ठीक है, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा, स्विंग मिल सकता है। ठीक है, और ये धुरुरू को ऐसे भी हम लोग नहीं लेंगे, विकी सेक्शन में मिलेंगे, बट स्टिल हमारे पास एमी हंटर जैसे प्लेयर्स मिल जाएंगे विकी से, तो हम लोग उनके साथ जाएंगे, इनको नहीं लेने वाले धुरुरू को। ओके, ए मुगेरी त्रिपारो ठीक ठाक प्लेयर है, लास्ट मैच में 22 रन बनाया। जहाँ पे 3 बैटर्स लेना पड़ता है ना, कुछ ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे 3 बैटिंग सेशन से 3 प्लेयर लेना पड़ता है और दोस्तों एक टीम का 4 प्लेयर लेना पड़ता है, तो उसमें ट्राई करो, अदरवाइज नहीं। ओडीआई करियर में 6 का एवरेज है इनका सिर्फ, बट हाँ 3 ही मैच है दोस्तों, T20 में ऐसा नहीं बहुत अच्छा खेला, बट ये स्टार्ट निकाल लेता है। ठीक है, मुसुंडा जो है ना वो थोड़ा अटैकिंग खेलते ज़्यादा। नदीनिया ने लास्ट मैच में ना 47 रन किया था और एक ओवर में एक ओवर भी डाला था। इनका ओडीआई करियर में ना 10 मैच में सिर्फ 14 एवरेज है, हाईस्ट रन बनाया था ओडीआई में। रिसेंट फॉर्म देखो उतना खास नहीं था जब ये T20 सीरीज खेल रहा था, मैं ना नदीरिया को नहीं लूंगा। यस आ सकता है, एक आधा नॉक, यस यहाँ पे इनसे जैसे कि आया ना त्रिपानो इनसे भी बेटर है, इनसे भी आ सकता है। ठीक है, बट जो हमें कंसिस्टेंट प्लेयर चाहिए उसी लिए हम लोग नहीं लेंगे। कंसिस्टेंटली देखोगे तो नो एंडलोवू दोस्तों आपको बैटिंग से 10 रन बॉलिंग से 4 ओवर डालते हुए दिखे थे, तो मैं इसको बैक करूंगा। ओडीआई में देखो 3 मैच में 10 विकेट है, 27 ओवर में 12 रन, ये प्लेयर मुझे बहुत ही डिसेंट लगा, इसको हम लोग दोस्तों ट्राई कर सकते हैं अपने टीम में। ठीक है, अच्छा डिफेंशियल प्लेयर बन सकते हैं आपके लिए कैलिस एंडलोवू। ग्वानजुरा को मैं फिलहाल इग्नोर करने वाला हूँ दोस्तों, ओडीआई करियर 22 का एवरेज, 5 मैच में 88 रन है, रिसेंट फॉर्म 1-4-1-2-2 रन। ठीक है, यहाँ से देखना लॉरेन तो श्यूमा दोस्तों ये एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा, एक ओवर में विकेट लेस था बट 14 रन बैटिंग से किया था। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, 9 ODI मैच में सिर्फ 4 विकेट है इनका, बट ओवर देखो 58 ओवर और रिसेंट फॉर्म 1-0-0-3-3। ये ना बॉलिंग फर्स्ट में ना आपके लिए एक डिफेंशियल प्लेयर हो सकता है, 2-3 विकेट मिल सकता है इसको, बट हाँ बॉलिंग फर्स्ट, बॉल सेकेंड नहीं। ठीक है, प्रीशियस मरांगे ये करेंटली मोस्ट इन्फॉर्म बॉलर में से एक, 5-3-3-0-2, लास्ट मैच में बैटिंग से भी 29 किया था। हम लोग मतलब इनको मान के चलेंगे कि एज ऑलराउंडर प्ले करेगा, ठीक है, तो हमारे लिए ड्रीम इलेवन में लेके चलना बनता है। 8 मैच 6 विकेट 60 ओवर्स 92 रन, एज अ प्लेयर हम लोग रख लेंगे। सिबांडा बॉलिंग फर्स्ट होगा तो ट्राई कर सकते हो, ओडीआई करियर 6 मैच में 5 विकेट 42 ओवर्स 61 रन है इसका, रिसेंट फॉर्म में 1 मैच में 2 विकेट है, कई बार इनका ओवर कट हुआ है, बट हाँ यहाँ पे बॉल डाल सकता है।
मवुंगा मैं नहीं लेने वाला, लास्ट मैच में एक ओवर डाला था, विकेटलेस थे दोस्तों, एक ओवर में क्या ही मिलेगा, क्योंकि इनको ना एक तो रेन के रीजन से टारगेट ना बहुत छोटा हो गया था, 112 हो गया था। आयरलैंड खुद बैटिंग फर्स्ट ना 170 के करीब बनाया था, बट रेन के रीजन से 112 13 हो गया था। बट वो भी आयरलैंड ने ना शायद 10-15 ओवर में दोस्तों चेस कर लिया, ठीक है। तो इसलिए मैं मानता हूँ आयरलैंड अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम दिख रहा है अगेंस्ट किसका, जिम्बाब्वे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम दिख रहा है। यस, इन्होंने 13 ओवर में चेस कर लिया आयरलैंड ने, तो ऐसे में हमें आयरलैंड से ज़्यादा प्लेयर रखना सही बनता है। ड्रीम इलेवन में तो आप ले भी सकते हो आयरलैंड से, कोई बात नहीं। कुदई सिजोरा ने 2 ओवर में विकेट लेस थे, 1 रन किया था ओवरऑल करियर में, 58 मैच में 28 विकेट है। नहीं लेने वाला हूँ इनको भी, ठीक है। मुझे जिम्बाब्वे बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है, और इनके जो अच्छे प्लेयर्स हैं ना वो अभी खेल भी नहीं रहे। अगर आप देखोगे ओपनिंग बॉलिंग, सिबांडा मरांगे एंडलोवू, डेथ में मरांगे एंडलोवू तशुमाकर आएगा, यही बेसिकली 3-4 मेन बॉलर है। इनमें से देखो लास्ट मैच में ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बहुत पिटाई हुआ था, 13 ओवर सिर्फ डाला था, तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा, बट स्टिल सिबांडा मरांगे आपको पावर प्ले में डालते हुए दिखेगा, बॉल फर्स्ट स्पेशली मरांगे बहुत अच्छा चॉइस रहेगा। एंडलोवू तशुमा आएंगे दोस्तों फिर, और बेसिकली ये 4 बॉलर आपको डेथ भी करते हुए दिखेगा, एंडलोवू तशुमा मरांगे सिबांडा, यही 4 मेन बॉलर है। बाकी जो 10 ओवर है ना मवुंगा नदीरिया चिगोरा में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इनके पास तो 5th बॉलर भी नहीं दिख रहा फिलहाल मेरे पास, तो मेरे सामने दोस्तों। ये इस सीरीज से पहले के प्लेयर्स के रिकॉर्ड है, आपके अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो गाइस। कुछ भी प्लेयर ऐड होता है यहाँ पे आके देख लेना। पी मुजासी बेसिकली ओपन कर सकते हैं अगर खेलता है तो, मजविशी अगर खेलता है तो बॉलिंग करेगा, 7 मैच 37 ओवर 3 विकेट है, रिसेंट फॉर्म उतना भी खास नहीं है। जिमोनू दोस्तों कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, बीजा डेब्यू वगैरह डेब्यू करने वाले दोस्तों कई प्लेयर। ओडीआई में चिपारे ने खेला, 5 मैच में 20 ओवर डाला। मभेरा ये एक अच्छा डिफेंशियल होगा, मभेरा रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 0 1 1 1 विकेट है। अब आते हैं दोस्तों आयरलैंड की तरफ, लाइक नहीं किया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना, और गाइस जुड़ जाना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिलेंगे। अगर देखोगे आयरलैंड से ना गैबी लुइस दोस्तों आपको ओपन करते हुए दिखेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, जो गैबी लुइस प्लेयर है ना ये प्लेयर बहुत ही अच्छी है, लास्ट मैच में 65 रन बैटिंग से किया था, बहुत अटैकिंग क्रिकेट भी खेला था, तगड़ा प्लेयर है दोस्तों, तगड़ा प्लेयर है, मतलब इसको ना आप छोड़ नहीं सकते, ऐसा वाला प्लेयर है, ठीक है। गैबी लुइस मस्ट भी प्लेयर है आपके लिए, और इनको आप कैप्टन भी बना सकते हो, बिंदास कैप्टन बनाना सॉलिड ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा अटैकिंग रेट खेलते हैं, पावर प्ले में अगर बैटिंग किया ना थोड़ा सा ट्रबल में ये आ सकते हैं, ये तो बात है। पावर प्ले में अगर बैटिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत ट्रबल में आएंगे, बट स्टिल मेरे हिसाब से एक बढ़िया कैप्टन ऑप्शन रहने वाला है आपके लिए गैबी लुइस, स्पेशली बैट फर्स्ट, ठीक है, बैट फर्स्ट। और अगर मैच पूरा हुआ, जो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों ये मैच पूरा होगा, मैंने जब रिव्यू देखा था मुझे लग रहा था कि मैच पूरा ही होने वाला है, तो दोस्तों ये बोथ कंडीशन ही बहुत ही बढ़िया कैप्टन चॉइस रहेगा, नॉट अ बैड चॉइस, ठीक है। गैबी लुइस का मैं बात कर रहा हूँ, बोथ कंडीशन एज अ कैप्टन यूज कर सकते हो, ओपोनेंट टीम का बॉलिंग यूनिट बहुत ज्यादा वीक है, तो ऐसे में ये बुरे चॉइस नहीं रहेंगे। कैपबीसी यस डेफिनेटली हम लोग यूज कर सकते हैं इनको अपनी टीम में, गैबी लुइस को। एमी हंटर अगर देखोगे, हंटर डिसेंट चॉइस रहेंगी एज अ प्लेयर स्पेशली, बट एक चीज़ क्या है पता है, एमी हंटर ना विकी करेंगी, ठीक है। और अगर मैच पूरा हुआ ना आपको लीपॉल ओपन करते हुए दिखेंगी, एमी हंटर नहीं, एमी हंटर बेसिकली 1 डाउन खेलती है, लीपॉल ओपन करती है, ठीक है। तो लास्ट मैच ओवर रिड्यूस हुआ था, इसलिए एमी हंटर को स्ट्राइक करने के लिए भेजा था ऊपर में, ठीक है, ताकि DLS जो आया था उसके हिसाब से उनको टारगेट रिड्यूस हुआ था, ओवर भी रिड्यूस हुआ था, और बारिश भी आने के चांसेस थे। बट हो सकता है लीपॉल जो इनका आइडियल पोजिशन है ओपनर, वो ओपन कर ले एमी हंटर 1 डाउन। एमी हंटर बढ़िया कैपबीसी दो रीजन से, एक तो ये आपको विकी से पॉइंट्स देंगी, लास्ट मैच में बहुत सारा पॉइंट्स विकी से प्रोवाइड किया था इन्होंने, प्लस ये आपको टॉप 3 में बैटिंग तो जरूर करते हुए दिखेंगे। ओडिया करियर में 27 के एवरेज, 19 मैच में 462 रन, अच्छी चॉइस है दोस्तों, बढ़िया कैपबीसी गैबी लुइस दोनों, और ली पॉल स्पेशली बैट फर्स्ट डिफेंशियल कैप्टन चॉइस है। लास्ट मैच में 3 ओवर भी बॉलिंग से किया था इन्होंने, बॉलिंग थोड़ी कम करते हैं रिसेंटली। ओडिया करियर में 26 मैच 27 का एवरेज है, 695 रन है, 86 ओवर में दोस्तों इनके पास 6 विकेट है, और रिसेंट ओडीआई में 70 58 43, अच्छे टीम स्कॉटलैंड के साथ करके आ रही है कंपेयर टू दिस टीम, मतलब जिम्बाब्वे से वे बेटर टीम स्कॉटलैंड के अगेंस्ट खेल के आ रही है दोस्तों, अच्छी परफॉर्मेंस देके आ रही है ली पॉल दोस्तों। एमी हंटर ने भी अच्छा खेला, 68 खेला, और दोस्तों गैबी लुइस का फॉर्म खराब था, बट गैबी लुइस क्वालिटी प्लेयर है और 100 खेल दिया है। ओला पेंडरगिस्ट को बैटिंग फर्स्ट ओनली, इफ देखो ना बैट फर्स्ट ट्राई करो, अच्छी प्लेयर है,
रिसेंटली T20 में कुछ खास किया नहीं है, बट ODI में एक 64 का नॉक खेला, एक 37 का नॉक खेला। अगर इनको चांस मिला ना, मतलब 30 ओवर से पहले इनका बैटिंग मिल गया, तो दोस्तों ये भी बड़ी स्कोर बनाते हुए दिखेंगे। लॉरा डिलानी जो आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट देंगे, स्पेशली बैट फर्स्ट बढ़िया कैप्टन है, क्योंकि दोस्तों आपके लिए 4-5 ओवर देंगी और बैटिंग से 30-35 रन बनाते हुए दिखेंगी, तो बॉल फर्स्ट ज़्यादा बेटर कैप्टन है। ओल्डा पेंडरगिस देखो 19 मैच में ODI में ना 411 रन 29 के एवरेज से 45 ओवर पा चुके हैं। रिसेंटली इन्होंने बॉलिंग बहुत कम कराया। लॉरा डिलेनी अभी रिसेंटली दोस्तों ये ना बॉलिंग कराती है, बट थोड़ी सी कम कराती है, ठीक है। 57 ODI मैच में 225 ओवर 24 विकेट 1000 प्लस रन है। रिसेंट फॉर्म 12 जीरो विकेट 25 दो विकेट 41 जीरो विकेट ODI में 28 जीरो विकेट 02 विकेट। ये जो रन आया था ना स्कॉटलैंड के खिलाफ ODI सीरीज में आया था, अच्छी प्लेयर है। स्पेशली बैट फर्स्ट और भी ज़्यादा सही हो जाएगा कैप भी से। रेविका स्टोकल मैं फिलहाल नहीं लूंगा, ग्रैंड लीग में लेना बैट फर्स्ट अगर सही लगे तो। अर्लन केली मस्ट बी प्लेयर है, बोथ कंडीशन कैप्टन वाला पिक है। अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, बॉलिंग अगर फर्स्ट होता है ना, अर्लन केली को बना देना कैप्टन। लास्ट मैच में ना ये भी 3-4 विकेट निकाल सकती थी, बट इनको लास्ट ओवर नहीं मिला था, सरगेन को मिल गया था, उसलिए उनको विकेट मिल गया ज़्यादा, ठीक है, फ्रेयस सरगेन को। और ये ODI करियर में 16 मैच में 16 विकेट। रिसेंट फॉर्म देखो तगड़ा, देखो ODI में 4-2-2 ODI में कितना तगड़ा फॉर्म से आ रहा है, और ये बैटिंग से भी पॉइंट्स देंगी, बढ़िया चॉइस है। एवा कैनिंग एज अ प्लेयर रखना ही पड़ेगा दोस्तों, लास्ट मैच में 8 ओवर में 2 विकेट था इनका। ODI करियर 8 मैच में 44 रन 46 ओवर 6 विकेट, रिसेंटली 1-0-0 4 विकेट और 1 विकेट है। प्रिया सरगेन दोस्तों बॉलिंग पर जहर पीक होंगी, 8 ओवर में 3 विकेट है लास्ट मैच में, और ये ना लास्ट ओवर डालने आया था, DLS से ओवर रिड्यूस हो गया, 43 ओवर हुआ था, ये लास्ट ओवर डालने आया, उसमें 2 विकेट मिला। ओवरऑल ODI में 2 मैच में 4 विकेट था इस सीरीज से पहले। रिसेंटली ODI में 2 विकेट 2 विकेट 2 मैच खेला 2-2 विकेट, और लास्ट मैच में इन्हें 3 विकेट मिल गया। जैन मैग्योर देखो बॉल फर्स्ट ले लेना, लास्ट मैच में 8 ओवर में विकेट लेस थी, बट बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो ले लो, क्योंकि ये टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और इनके कम बैटर लेगा तो भी चलेगा। अगर ये टीम बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो मैग्योर को ले लेना, ठीक है, ओला पेंडरगिस की जगह। करामुरे बाई डिफॉल्ट पिक, बोथ कंडीशन और कैप बीसी ऑप्शन रहेगा, बढ़िया चॉइस। ODI में रिसेंटली 3-2-1 अगेंस्ट स्कॉटलैंड। अभी बॉलिंग कैनिंग मैग्वेयर केली, डेथ में केली सरगेंट और कैनिंग करते हुए दिखेंगी। ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ऐसे ही होगा, कैनिंग मैग्वेयर और केली पावर प्ले डेथ करेगा। मिडल ऑर्डर में सर दोस्तों आपको कारामुरे करते हुए दिखेंगी ये, और सरगेन करते हुए दिखेंगी, लॉरा डिलेनी करते हुए दिखेंगी। सरगेन लास्ट मैच में डेथ में भी कराया था, ये सीरीज से पहले इन प्लेयर्स के कुछ प्लेयर्स की रिकॉर्ड है। इनमें से सारा फोर्ब्स खेलता है तो टॉप में खेल सकता है, थोड़ा सा पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेता है, और अलाना डल्जेल ये खेलती है तो बॉलिंग करेंगी। ODI में 2 मैच 12 ओवर में 1 विकेट है। डेम्सी 14 मैच में ODI में 12 विकेट 93 ओवर। डेम्सी खेलती है तो एज अ बॉलर डिफेंशियल ले सकते हो। वार्म अप मैच का भी रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, अभी ज़्यादा मायने देता नहीं है। देखो वार्म अप में ना लिपोल उपेन आया था, 42 बनाया था, गेविल ने 37, ओला पेंडरगिस ने 56 बनाया था, और देखो जब आयरलैंड ने बैटिंग फर्स्ट किया था ना 224 बनाया था 37 ओवर में, रिपीट कर रहा हूँ मैं, 37 ओवर में 224 बनाया था। आयरलैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करता है ना तो दोस्तों आयरलैंड लास्ट मैच में 13 ओवर में 100 बनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग ना आयरलैंड बैटिंग फर्स्ट करने से ना 300 प्लस तो आपको आग बंद करके दिखेगा। मुझे लगता है कि 350 से 400 भी दिख सकता है अगर आयरलैंड बैट फर्स्ट किया तो, ठीक है। ये हेड टू हेड रिकॉर्ड इससे पहले का आयरलैंड देखो बैट फर्स्ट 50 ओवर में 312 ठोका था, अम्मी हंटर ने 121 ठोके थे, गेविल लुइस ने 78, लॉरा डिलेनी ने 68। बॉलिंग से लॉरा सोफी मैगमॉन 2 विकेट ईच, मैग्योर लिपोल सेलेस्टर रैक और कैरामुरे का 1 विकेट ईच। जिम्बाब्वे चेस करते हुए 227 तक पहुंचा था। नोकोमो 66, अभी हैनी नदीरिया 38, 36 मुसंडा 125 बेस्ट बॉलर था। उससे पहले 2021 में हेड टू हेड में जिम्बाब्वे 178 पे ऑल आउट। जिम्बाब्वे दोस्तों बैट फर्स्ट करेगा ना 170-180 के करीब बनाएगा। जिम्बाब्वे आयरलैंड 2 विकेट लॉस से चेस कर गया। गैबी लुइस 96, लिपोल 63। दोस्तों मैच पूरा होगा, मतलब ये मैच पूरा होने वाला है, तो लिपोल मुझे लगता है ओपन करेंगी। अब चलते हैं हम लोग ड्रीम इलेवन टीम में। दोस्तों फिलहाल मेरा ना जो टीम है देखो, इसमें कैप्टन है गैबी लुइस, वाइस कैप्टन है एमी हंटर। ये मैच पूरा होने वाला है तो इसमें जो भी टॉस जीतेगा, देखो अगर जिम्बाब्वे ने टॉस जीता ना पक्का ये लोग बॉलिंग लेंगी, अगर ये चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा ही है इनका बॉलिंग लेने का, और आयरलैंड अगर टॉस जीतेगा ना पक्का ये बैटिंग लेंगी। तो दोस्तों वैसे मैं गैबी लुइस को मैंने कैप्टन बना दिया, हंटर को वीसी बना दिया, ठीक है। ली पॉल हमारे पास है, ये भी अच्छा कैप वीसी ऑप्शन रहेंगी। ओल्डा पेंडरगिस रहेंगी एज अ प्लेयर। लॉरा डिलेनी, अर्लिन केली हमारे पास, के एंड लोवू हमारे पास, प्रीशियस मरांगे, करामुरे, अबा कैनिंग, एफ सरगेंट, इनको भी वीसी बना सकते हो। मैं ना देखो मेरे पास कुछ ऑप्शंस है, एक है ली पॉल वीसी, एक है एमी हंटर वीसी, एक है दोस्तों करामुरे वीसी, ली लॉरा डिलेनी वीसी, या फिर अर्लिन केली, इनमें से वीसी कोई एक बन सकता है आपके लिए, ठीक है, अलोंग विद गैबी लुइस एज कैप्टन, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट।
चीज़, अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो दोस्तों ओला पेंडरकिस को ड्रॉप कर दूंगा और मैगवेयर को यहाँ से ले लूंगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शंस आ जाएंगे। फिलहाल के लिए ये रहेगा मेरा दोस्तों कवरेज इस मैच का। इस मैच के साथ साथ अगले मैचेस के कवरेज अपडेट डेमो टीम के लिए जुड़ सकते हो दोस्तों टेलीग्राम, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और दोस्तों जुड़ जाना टेलीग्राम, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे। थैंक यू गाइस।